हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा एंड अभिप्सा टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2023, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था मैच द फॉलोइंग का पार्ट वन, और आज हम देखने वाले हैं मैच द फॉलोइंग का पार्ट टू। तो ये एक मॉडल क्वेश्चंस है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये आपका कितने नंबर का आने वाला है? ये आपका 5 नंबर का आने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है, मैच द कॉलम्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसमें कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया हुआ होता है, जिसमें से हमें कॉलम ए के सेंटेंसेस या फ्रेजेस या क्लॉजेस को कॉलम बी के सेंटेंसेस, क्लॉजेस या फ्रेजेस से मैच कराने होते हैं और हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर आने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आई लाइक टू प्ले विथ ऑल माई फ्रेंड्स बिकॉज, अब ये किसके साथ मैच हो रहा है इसे हमें मिलान करके देखना है। तो मुझे अपने फ्रेंड के साथ, मुझे अपने सभी फ्रेंड के साथ, सभी दोस्तों के साथ खेलना पसंद है क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, मैच नहीं हो रहा है। वी हैड नीदर टैलेंट नॉर लुक्स, ये भी मैच नहीं हुआ। ही वॉन्ट्स टू बेथ बाय वाटरफॉल्स, ये भी मैच नहीं हुआ। ही हैड नो किट, ये भी मैच नहीं हुआ। दे लाइक टू प्ले, वे खेलना पसंद करते हैं, इसके साथ मैच हुआ। मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने सभी दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता हूं क्योंकि वे खेलना पसंद करते हैं, तो इसके साथ मैच हुआ। तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आप ऐसा मैच नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर यदि ये है, इसके साथ मैच हुआ, तब ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना। इट मीन्स हमें इसे कहाँ पे लिखना है, इसे हम लिखेंगे इसके जस्ट सामने, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे हमें लिखने हैं दे लाइक टू प्ले। वैसे यदि इसका आंसर जो भी रहेगा उसको इसके जस्ट सामने लिखना है, वैसे इसका आंसर जो भी रहेगा उसको जस्ट सामने। तो ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर्स मिले। नेक्स्ट देख लेते हैं। बैंगन शॉप डिड नॉट लाइन अप फॉर पीई बिकॉज, जो बैंगन शॉप है वो पीई के लिए वो लाइन अप नहीं किया, क्यों? वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, या फिर वी हैड नीदर टैलेंट नॉर लुक्स, या फिर ही वॉन्टेड टू बेद बाई वाटरफॉल्स, या फिर ही हैड नो किट। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसके साथ ये मैच होगा, तब ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा क्योंकि उसके पास किट नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। वी ऑल आर द सेम बिकॉज, हम सभी सेम हैं, हम सभी समान हैं क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इसी में मैच हो रहा है। इट मीन्स ये इसका आंसर ये होगा क्योंकि हम सभी क्या है, ह्यूमन बींग्स है, इसलिए हम सब सेम हैं। वैसे ही द पोइट हैड नथिंग दैट कुड इम्प्रेस अ सिंगल शॉल बिकॉज, यानी पोइट के पास कुछ भी नहीं है, एक सिंगल भी थिंग नहीं है जिससे वो किसी को इम्प्रेस कर सके। तो इसमें से कौन सा आएगा, ही हैड नीदर टैलेंट नॉर लुक्स, तो इसका जो है यही आंसर होगा क्योंकि उनके पास ना तो टैलेंट है, ना मीन्स उनके पास ना तो कोई टैलेंट था ना कोई लुक। नेक्स्ट है, पोएट स्ट्रॉल्स बिसाइड सम माइटी स्ट्रीम बिकॉज, अब लास्ट जो है वो यही होगा, ही वॉन्ट्स टू बेथ बाय वाटरफॉल्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। He studied hard. उसने hard means कठिन पढ़ाई की। Till I will be back, या फिर when he was young, या फिर so we went to a restaurant, या फिर after I returned from seminar, या फिर so that he could earn the scholarship, ताकि वो scholarship को प्राप्त कर सके, earn कर सके। उसने कठिन पढ़ाई की ताकि वो scholarship को earn कर सके, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये इसका आंसर। वैसे ही आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, अब इसके साथ मैच कराइए, कौन सा जो सेंटेंस है वो इससे मैच होगा। टिल आई विल बी बैक, या फिर व्हेन ही वाज यंग, या फिर सो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, या फिर आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम सेमिनार, तो ये इसके साथ मैच होगा। मैं तुमसे मिलूंगा कब, आफ्टर रिटर्न फ्रॉम सेमिनार, मतलब सेमिनार से रिटर्न होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा,
वैसे ही वेट हियर, यहां इंतजार करो, टिल आई विल बी बैक, तो ये इसके साथ हुआ, यानी यहां इंतजार करो जब तक कि मैं वापस आ जाऊं, टिल आई विल बी बैक, टिल मीन्स तक के सेंस में होता है. नेक्स्ट है, ही वॉज अ सिंगर, वह एक सिंगर था, वैन ही वॉज यंग, जब वह जवान था, जब वह यंग था, तब वह एक सिंगर था. वैसे वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, हमने कुछ भी नहीं खाया था, सो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, इसलिए हम कहाँ गए, रेस्टोरेंट गए थे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो के बाहर देखा. अब देखा इसमें क्या आएगा, सो सी सैट इन द फ्रंट रो, नो, बिफोर ही टुक हिज मील, नो, दैट सी वॉन्टेड टू नो द नेम्स ऑफ एवरीथिंग, इसके साथ भी मैच नहीं हुआ. हु वर कैप्ट असाइड बाई सोसाइटी, इसके साथ भी मैच नहीं हुआ. वेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, इसके साथ मैच हो रहा है, है ना. तो जब मैं सुबह उठा तब मैंने खिड़की के बाहर देखा, तो ये इसके साथ. वैसे ही मदर टेरेसा वॉन्टेड टू केयर फॉर द वंस, यानी मदर टेरेसा जो है हर एक की देखभाल करना चाहती थी. सो सी सैट इन द फ्रंट रो, नो, बिफोर ही टुक हिज मील, नो, दैट सी वॉन्टेड टू नो द नेम्स ऑफ एवरीथिंग, नो, हु वर कैप्ट असाइड बाई सोसाइटी, जो कि जिनको समाज के द्वारा किनारे किया गया, तो ये इसके साथ मैच हुआ. वैसे ही सी फॉरगॉट हर स्पेक्टेकल्स एट होम, वो अपना जो स्पेक्टेकल्स है, वो अपना जो चश्मा है, वो कहाँ भूल गई थी, वो भूल गई थी अपने घर में. सो सी सैट इन द फ्रंट रो, इसीलिए वो फ्रंट रो में बैठी, तो ये इसका आंसर. वैसे ही ही वॉश्ड हिज हैंड्स, उसने अपना हाथ धोया. बिफोर ही टुक हिज मील, यस, इसके साथ मैच हो रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, यानी खाना खाने से पहले उसने अपना हाथ धोया. वैसे ही सी वॉज सो एक्साइटेड दैट सी वॉन्टेड टू नो द नेम्स ऑफ एवरीथिंग, यानी यहाँ पे हो जाएगा कि वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो हर एक चीज़ों की नाम वो जानना चाहती थी, इस तरह से. नाउ लेट सी द नेक्स्ट, गर्ल वॉज टेकन अ बैग बाय द ग्रैंडियर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गर्ल है वो शोभा को देख करके, सुंदरता को देख करके अचंभित हुई. बिकॉज द रिजल्ट वॉज नॉट एज एक्सपेक्टेड, या फिर अनलेस दे टेक अ टैक्सी, या फिर बट द टिकट काउंटर वॉज क्लोज, या फिर आफ्टर यू हैव योर मील्स, या फिर वेन सी रीच्ड द कॉन्फ्रेंस, जब वो कॉन्फ्रेंस में पहुंची तब वो शोभा को देख करके, सुंदरता को देख करके अचंभित हुई, तो इसके साथ कौन सा मैच हुआ, ये वाला. वैसे ही यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हें इस मेडिसिन को अवश्य लेनी चाहिए. कब, आफ्टर यू हैव योर मील्स, यानी जब आप भोजन लेते हो, खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद. ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड था, निराश था, क्यों, बिकॉज द रिजल्ट वॉज नॉट एज एक्सपेक्टेड, तो ये इसके साथ मैच हुआ, क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड नहीं था. वैसे ही दे मे बी लेट, वे लेट हो सकते हैं, अनलेस दे टेक अ टैक्सी, या फिर बट द टिकट काउंटर वॉज क्लोज्ड, तो कौन सा होगा, तो इसके साथ ये वाला अच्छा मैच होगा, यानी अनलेस दे टेक अ टैक्सी, इफ का नेगेटिव होता है अनलेस, यानी यदि नहीं, यदि वो टैक्सी नहीं लेते हैं तो क्या होगा, वो लेट हो सकते हैं. वैसे ही वी रीच द सिनेमा हॉल, हम सिनेमा हॉल पहुंचे, बट द टिकट काउंटर वॉज क्लोज्ड, बट जो टिकट काउंटर था वो क्लोज्ड था, सो इसका आंसर ये होगा. सो इस तरह से हम जो है कॉलम ए के सेंटेंसेस को कॉलम बी के सेंटेंसेस से हम ऐड कर सकते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं. बट आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से मैच नहीं करने हैं, हालांकि मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, बट आप जब एग्ज़ाम, जैसी आपकी जो एग्ज़ाम रहेगी, तो एग्ज़ाम में आप जो है जिसका भी आंसर रहेगा उसको आप जस्ट उसके सामने लिखेंगे, ठीक है. सो इस तरह से आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें देख लिए हैं जिसके द्वारा हम एग्ज़ाम में 5 में से 5 नंबर लेकर के आ सकते हैं,
और आप हमेशा अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके साथ है और हमारी टीम आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे वीडियोस दे रहे हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आओ, अपने घर का नाम, अपना नाम, अपने स्कूल का, अपने गाँव का, अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करो। सो इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।